जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर बैठे सभी सम्मानित अतिगण, विद्यालय प्रबंध समिति, दूर दराज से आए महानुभाव और इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र और छात्राएं, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आज आप देखते होंगे पूरे देश के अंदर हर जगह एक खुशी का माहौल बना हुआ है। बच्चों, सबसे ज्यादा जो प्रोग्राम आप देखते होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, समाज में तमाम तरह के आप देखते होंगे प्रोग्राम कराए जाते हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा मनुष्य की रीढ़ की हड्डी की तरह है। आज भी हमारे देश की जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार हैं, उनकी आज भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बच्चों, इसलिए आज आपके लिए संकल्प लेना होगा शिक्षा से, क्योंकि बताना चाहूंगा जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा चूमा, तमाम तरह की यात्रा झेली। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं और स्वतंत्रता के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो आपके लिए सोचना पड़ता था कि हमें देश आजाद कराना है, लेकिन अब आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है हमें देश आजाद कराना है, आपको ये सोचना है अपने परिवार की स्थिति को बदलाव करना है। मुझे 15 से 20 साल लगातार पढ़ाई में ध्यान देना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस भी बच्चे ने 15 से 20 साल पूरा अपना समर्थन पूरे मनोलोक के साथ अगर पढ़ाई जारी रखी तो निश्चित तौर पर आप बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर सकते हैं और आप निश्चित तौर पर आपकी नौकरी लगेगी। जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जब आपके परिवार की आर्थिक स्थिति होगी तो निश्चित ही तौर पर हमारे देश से गरीबी का सफाया हो जाएगा। इसलिए छात्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज 26 जनवरी में आपको संकल्प लेना होगा। हमारे माँ बाप भले ही कितने गरीब हो, कितनी भी परेशानी झेलते हो, लेकिन आपको पढ़ाते जरूर होंगे। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है, जब मेरे पिताजी मजदूरी करके मुझे विद्यालय भेजते हैं, ताराचंद आदर्श पब्लिक स्कूल में भेजते हैं, तो मुझे ताराचंद आदर्श पब्लिक का नाम तो करना ही करना है, अपने माँ बाप का भी नाम करना है और ऐसा नाम करना है किताबों में पढ़ा होगा चांद बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है, तो आदर्श ताराचंद पब्लिक आदर्श स्कूल में पढ़कर मैं भी गाँव का और क्षेत्र का ऐसा अधिकारी बनूंगा जिससे मेरा नाम होगा और मेरे परिवार का नाम होगा। आपने अगर अपने दिमाग में ठान लिया है मुझे पढ़ाई करके अच्छी नौकरी हासिल करना है, तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, बशर्ते आपको पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाना होगा। क्योंकि ये विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम कराए जा रहे हैं वो सब कार्यक्रम इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि आपने संस्कार बढ़े, आपने पढ़ाई के लिए और एकदम आपका ध्यान आकर्षित हो। इसलिए लास्ट बार में आपको एक और संदेश के बाद अपनी बात समाप्त होऊंगा। पार करने होंगे तुम्हें मुश्किलों के हिमशिखर, पार करने होंगे तुम्हें मुश्किलों के हिमशिखर, लक्ष्य तक जाना पड़ेगा पर्वतों को लांघकर, पर्वतों को लांघकर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी।